बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2024 में फेडरल बोर्ड ने प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का फैसला कर लिया है। इससे पहले फेडरल बोर्ड की प्रीवियस प्रैक्टिस ही रही है कि एफएससी सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे। फेडरल बोर्ड के एफएससी पार्ट वन में सिर्फ पेपर्स हुआ करते थे, पार्ट टू में पेपर्स के साथ कंबाइंड प्रैक्टिकल्स हुआ करते थे और वो पेपर्स खत्म होने के बाद स्पेसिफाइड टाइम पर लिए जाते थे और ये प्रैक्टिकल्स बायोलॉजी लैब में परफॉर्म किए जाते थे। लेकिन 2024 में फेडरल बोर्ड ने अपनी पॉलिसी तब्दील करके पार्ट वन के प्रैक्टिकल्स अलग और पार्ट टू के प्रैक्टिकल्स अलग लेने का फैसला कर लिया है। अब पार्ट वन के प्रैक्टिकल्स बायोलॉजी लैब के बजाय एग्जामिनेशन हॉल में बाकायदा पेपर्स की फॉर्म में लिए जाएंगे। पेपर पैटर्न सिंपल, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का पेपर कैसे होगा, इस पर मेरी अलग से वीडियो मौजूद है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या फिर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करें जिसको आप देख सकते हैं। इससे पहले क्योंकि कंबाइंड प्रैक्टिकल हुआ करते थे तो टोटल मार्क्स फर्स्ट ईयर पार्ट वन के और सेकेंड ईयर पार्ट टू के जो टोटल मार्क्स प्रैक्टिकल के हुआ करते थे वो 30 होते थे। जो पॉलिसी तब्दील हो गई है तो अब पार्ट वन के प्रैक्टिकल मार्क्स 15। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि जो पेपर है उसमें दो सेक्शंस आपके पास गिवन होंगे, एक सेक्शन ए और दूसरा आपके पास सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में फेडरल बोर्ड ने कुछ प्रैक्टिकल्स बता दिए हैं, उनको उन्हें नाम दिया है कि ये कैटेगरी ए के प्रैक्टिकल्स हैं और उन प्रैक्टिकल्स में से कोई एक प्रैक्टिकल लिया जाएगा सेक्शन ए में और उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो आपके पास गिवन होंगे। आपने उन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। वो कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो कि कैटेगरी ए में यानी कि सेक्शन ए में काउंटेड होते हैं वो आपके पास गिवन है, यानी कि ये जो 11 प्रैक्टिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, इन 11 प्रैक्टिकल्स में से कोई एक प्रैक्टिकल एग्जामिनर सेलेक्ट करेगा और उसी से रिलेटेड आपके पास डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे और आपने उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर जो शीट आपको प्रोवाइड की गई है एग्जामिनर की जानिब से, आपने उसी पर ये क्वेश्चंस सॉल्व करके एग्जामिनर को हैंडओवर कर देना है। सेक्शन बी में आपके पास याद रखें कि कई सारे प्रैक्टिकल्स फेडरल बोर्ड ने आपको स्पेसिफाइड करके बता दिए हैं कि ये जिसको वो नाम दे रहा है कैटेगरी बी, कि ये कैटेगरी बी के प्रैक्टिकल्स हैं और ये जो कैटेगरी बी के प्रैक्टिकल्स हैं ये कैटेगरी ए वाले से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, यानी कि जो कैटेगरी बी है इनमें से कई सारे प्रैक्टिकल्स में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट किए गए होंगे और वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन बी में जो कैटेगरी बी के प्रैक्टिकल्स है वो आपके पास ये है। अगर आप गौर करें तो इसमें आपको टोटल कोई 10 डिफरेंट प्रैक्टिकल्स गिवन है, इनमें से कई सारे क्वेश्चंस मल्टीपल प्रैक्टिकल्स में से लिए गए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज प्रैक्टिकल नंबर 3 से लिया गया, तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास हो सकता है कि वो प्रैक्टिकल नंबर 5 से लिए गए हो। इसी तरह
तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर लेट सपोज 7 से लिया गया हो या फिर 8 से लिया गया हो, यानी कि इसमें से जो क्वेश्चंस आएंगे वो मल्टीपल प्रैक्टिकल्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सेलेक्ट किए गए होंगे और वो आपने उसी आंसर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करके एग्जामिनर को हैंड ओवर कर देना है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि अगर हम रेशो की बात करें तो 60% आपका जो पेपर है वो सेक्शन ए पर मुश्तमिल है और 40% जो है आपका पेपर वो सेक्शन बी पर जो है वो मुश्तमिल है। यानी कि अगर हम बात करें टोटल मार्क्स की तो टोटल मार्क्स इस प्रैक्टिकल की 15 है। सेक्शन ए में जो आपसे क्वेश्चंस डिफरेंट पूछे जाएंगे वो 9 मार्क्स के होंगे, यानी कि इस 15 का अगर हम 60% निकालें तो वो आपके बनते हैं 9 मार्क्स। इसी तरह ये जो सेक्शन बी है ये आपके पास रेशो के लिहाज से 40% है, यानी कि अगर आप 15 मार्क्स का 40% निकालें तो इसलिए बनते हैं 6 मार्क्स। तो सेक्शन ए में 9 मार्क्स और सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 6 मार्क्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें कि फेडरल बोर्ड ने अपने पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया, जो कि प्रीवियस प्रैक्टिस में ये था कि 33% होता था, अब उन्होंने ये पॉलिसी भी तब्दील कर दी है कि अब उन्होंने 33% से 40% पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया जो है वो रख दिया है। यानी कि अगर आपने प्रैक्टिकल पास करना है तो आप कम से कम इस प्रैक्टिकल में 40% आप मार्क्स लेने होंगे तो आप पास कंसिडर होंगे, अदरवाइज यू विल बी फेल। तो अगर हम 40% इस 15 मार्क्स के ऊपर लगाते हैं तो इस तरह आपके पास मार्क्स बनते हैं 6, यानी कि 6 मार्क्स जो है ये बेसिकली आपके पास पासिंग मार्क्स है। 6 मार्क्स आप लेंगे तो आप इस प्रैक्टिकल में पास होंगे, अदरवाइज यू विल बी कंसिडर्ड एज अ फेल कैंडिडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।